ताजमहल में, यानी कि अपने होम टाउन में, और आज जाने वाली हूँ मालदा यानी कि गंगा जी के उस पार। तो आज मैं आपको उसका फुल टूर दिखाने वाली हूँ, फुल डे का व्लॉग दिखाने वाली हूँ कि मैं पूरे दिन में वहाँ क्या क्या करती हूँ। सबसे पहले हम लोग को पकड़ना होगा राजमहल से LCT मानिकचक घाट के लिए, तो डायरेक्ट मैं आपसे मिलती हूँ घाट पर। अंकल दो टिकट। फ्रेंड्स मैं पहुंच चुकी हूँ LCT घाट यानी कि गुदारा घाट। गुदारा घाट से ही LCT वगैरह खुलती है। ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं यही है LCT, और यहाँ पर है टिकट घर जहाँ से मैंने ले लिया है टिकट। पर पर्सन जो टिकट का प्राइस है वो है 15 रुपीज। यदि आप यहाँ से जाना चाहते हैं मालदा, तो पहले आपको LCT पकड़ना पड़ता है जो कि आपको लेके जाएगा मानिकचक। यहाँ पर मुझे एक और चीज मिली है, ये देखिए, ये है पुराने जमाने का बोट। यहाँ पर पूरा जो आप देख रहे हैं पूरा जंग लग चुका है, बट यहाँ पर एक धरोहर के रूप में यहाँ पर रखा गया है ताकि ये लोगों को याद दिलाए कि पहले जमाने में बोट कैसा होता था। अब मैं जा रही हूँ LCT पर चढ़ने के लिए। From here, ये देखिए मेरे पीछे जी गंगा जी का तट देख रहा है जो कि गुदारा घाट जहाँ से मैं चढ़ी थी, एंड वो जो पीछे आप देख रहे हो ये है सिंगल लाइन घाट। मानिकचक घाट, ये देखिए काफी ज्यादा भीड़ है, एंड जल्द से जल्द मुझे पकड़ना है मालदा जाने के लिए ऑटो या टोटो कुछ भी, सो आई हैव टू रश नाउ। अब मैं फाइनली बैठ चुकी हूँ ट्रेकर में। मम्मी ने मेरे लिए ढूंढ दिया अच्छा वाला सीट, देख सकते हैं आप। यहाँ पर आराम से मैं खिड़की का हवा खाते खाते पहुंचूंगी मालदा, और मुझे उल्टी भी नहीं होगी, और आप लोग भी व्यू एंजॉय कर पाएंगे यहाँ से मालदा के, यानी कि मानिकचक घाट से मालदा तक के व्यू। यू कैन सी पीछे ओवरब्रिज, एंड यहाँ पर गाड़ी रुकी है हमारी। यदि आपको मानिकचक से मालदा आना है तो यहीं पर आना होगा, और मालदा से वापस मानिकचक जाना है तो यही एरिया में आना होगा। और यहाँ से अब हम लोग जाएंगे सोनोस्कैन, क्योंकि मम्मी को चेकअप करवाना है, तो चलिए वहाँ चलती हूँ, उसका दिखाती हूँ आगे का सीन क्या होता है। जाने के लिए सोनोस्कैन जो है मखदुमपुर इलाका में पड़ता है, तो उस एरिया में भी आपको जाना है तो टोटो वालों का मखदुमपुर या फिर सोनोस्कैन जाना है, ऐसा करके आप बोलोगे तो आपको मिल जाएगा। जो ये वाला एरिया देख रहे हैं ये टोटल एरिया कहलाता है रथबाड़ी। यदि आप मालदा में न्यू है एंड आपको मालदा में कुछ नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है, तो आप डायरेक्ट रथबाड़ी आ जाइए, आराम से शॉपिंग कीजिए, आपको सारे सामान मिल जाते हैं जो भी आपको चाहिए। ज्यादा कुछ काम नहीं था तो मेरे पास अभी काफी वक्त है आप लोगों के लिए मालदा का बाजार घुमाने के लिए। मैंने थालमुड़ी लिया जिसको खाते खाते, क्योंकि सुबह से भूखी थी कुछ खाया भी नहीं था, बिकॉज मुझे ऑटो वगैरह में उल्टी होती है तो खा के नहीं निकली थी, तो अभी फर्स्ट फूड में खाने वाली हूँ वो भी थालमुड़ी। देखती हूँ आगे यहाँ पर क्या क्या खाती हूँ, और आप लोगों को भी दिखाऊंगी यहाँ का बाजार, तो व्लॉग में बने रहिए और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अभी मैं हूँ पिज्जा हट में, एंड यहाँ
यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया पिज्ज़ा एंड चोको वोल्केनो, सो वेट करते हैं तब तक जब तक कि हमारा ऑर्डर नहीं आ जाता। और वैसे तो दो पिज्ज़ा हम लोग घर के लिए लेके जाने वाले हैं भाई बहनों के लिए, एंड चोको वोल्केनो यहाँ पे खाने वाले हैं बिकॉज मम्मी ने कभी चोको वोल्केनो टेस्ट नहीं किया है। अब चलिए यहाँ से निकलते हैं और मम्मी से जानते हैं कि केक कैसा लगा, तो बताओ मम्मी कैसा लगा केक? बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। मम्मी को बहुत पसंद आया, मम्मी का मन था कि दोबारा लेके खाऊं, बट चॉकलेट ज़्यादा खाना सही नहीं होता तो इसलिए मैंने मना कर दिया। और घर ले जाते चोको वोल्केनो का तो वॉट लग जाता, सो अब देखते हैं आगे कहाँ जाना है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो ही रहा होगा, मेरा इंस्टाग्राम आईडी, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो गो एंड फॉलो मी बिकॉज वहाँ मैं अपने लाइफ रिलेटेड अपडेट डालते रहती हूँ। जाते हैं जिसमें कि बहुत सस्ते सस्ते आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे लाइक ईयरफोन्स वगैरह। एंड जैसे कि मैंने अभी मोबाइल कवर का रेट पूछा तो मोबाइल कवर यहाँ पर 60 रुपये सबसे लोएस्ट प्राइस थे एंड 220 रुपये सबसे महंगे वाले प्राइस। तो इस तरह के बहुत कुछ हमें मिल जाता है लाइक बैग एंड ऑल। मालदा का कोई भी एरिया नहीं जाते तो बस रथबाड़ी पहुँच जाइए, आपको एक लाइन पकड़ लेना फुटपाथ का एक कॉर्नर एरिया, बस वहाँ चलते जाइए आपको सारा सामान मिलते जाएगा। काम करने के लिए तब तक मैंने सोचा कि आपको थोड़ा मालदा का सैर करवा दूँ और अपने लिए कुछ खाने पीने का भी ढूंढ लूँ लाइक माय फेवरेट बिरयानी। और इस साइड में सिटी लाइफ का भी मॉल है, सिटी लाइफ तो भी बंद है, देखते हैं और कोई मॉल खुला है या नहीं। आखिर हाँ मिल गया एक मॉल जो कि खुला है, स्टाइल बाजार, और भी यहाँ पर एक दो मॉल बट आपको बिग बाजार यहाँ पर नहीं मिल जाता है। यदि कोई मालदा वासी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे बताइए कि मालदा में बिग बाजार है या नहीं है, तो लोकेशन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। फाइनली मुझे काफी खोजबीन करने के बाद मिल गया एक बिरयानी दुकान, कोलकाता स्टाइल बिरयानी जो कि मेरी फेवरेट है। मेरी चिकन बिरयानी जो कि है 80 रुपीज पर प्लेट। मैंने अपनी बिरयानी पैक करा ली गाइस बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है ऐसे खाने का, ऑलरेडी 1:30 बज चुके हैं, 2 बजे तक मुझे वापस से ऑटो पर स्टैंड जाना होगा। ऑटो नहीं जाती इतना दूर, ट्रैकर से मुझे 2 घंटे का फिर से सफर करना है, फिर से जाना है घाट, उसके बाद वापस अपने राजमहल। सानंदा ये सबसे बेस्ट है, अधिकतर लोग दुर्गा पूजा वगैरह में शॉपिंग करने के लिए सानंदा ही आते हैं। वैसे तो अभी मेरे को आ गई हूँ यहाँ पर एक शॉप में जहाँ मुझे लेना है केक बनाने का सामान, सो लेट्स गो इनसाइड। वैसे तो आप लोगों को पता हो कि मालदा अपने आमों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, मालदा आम। और मालदा में यदि आप आ रहे हो तो एक और चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यहाँ की, कोलकाता स्टाइल बिरयानी, तो यदि आप यहाँ आते हो तो इसका मजा लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो चुकी है सुबह शाम, ये देखिए शाम का व्यू कुछ ऐसा है यहाँ का। सूर्य अब अस्त होने को चला है और अब हम लोग जा रहे हैं घर की ओर वापस उसी LCT से जिससे आए थे। लगभग 12 घंटे की मेरी जर्नी हो गई, ऑलमोस्ट घर से निकले थे 8 बजे और जाते जाते ऑलमोस्ट 6 तो बज ही जाएंगे। बार ब्लॉगिंग की है एंड डेली लाइफ ब्लॉगर्स की आज मेहनत पता चल रही है, सो मेरी भी इस मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए लाइक करके वीडियो को। एंड यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं
मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए एंड मुझे कमेंट करके जरूर से बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आप मालदा कभी आए हैं या नहीं, ये सब कुछ। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।